हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 6 इफेक्टिव वेज टू री अट्रैक्ट योर एक्स। 6 इफेक्टिव वेज जिनसे आप अपनी एक्स को री अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोज बनाता हूँ। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन सेशन बुक करना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो 6 वो इफेक्टिव वेज क्या है जिनसे आप उनको वापस हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि आपको कोई बात नहीं करनी, ठीक है? आपको नो कॉन्टेक्ट के ऊपर जाना है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में जब वो आपसे बात नहीं करना चाहते, अगर आप ज़्यादा बात करेंगे, अगर आप उनकी लाइफ में घुसेंगे तो वो ज़्यादा इरिटेट फील करेंगे, वो ज़्यादा सैड भी फील करेंगे, क्योंकि वो आपको नहीं चाहते अपनी लाइफ में और आपको दुख भी नहीं देना चाहते। यस, इस चीज़ को भी समझें कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम वो आपको दुख भी नहीं देना चाहते। वो आपको अभी हार्श लग रहे हैं, उनका बिहेवियर आपको हार्श लग रहा है, और वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह ये चीज़ आसानी से हो जाए, लेकिन आप उसको मुश्किल बना रहे हैं। आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, आप उनके अंदर घुस रहे हैं, आप उनको बताना ये चाह रहे हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और वो इरिटेट हो रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, ठीक है? सो पहली बात आपके दिमाग में ये रहे कि कोई बात नहीं करनी, बात से बात ख़राब हो जाएगी, ठीक है? जितना आप ज़्यादा बात करेंगे उतना आप अपनी अहमियत गिराएंगे। जितने मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आता, मेरे सामने लोग रो रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा और मैं एक बार बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने गुलाम, अपने इमोशंस के गुलाम मत बने, इमोशंस को अपने अकल का गुलाम बनाएं, ठीक है? अकल इसलिए दी है अल्लाह ताला ने आपको कि इमोशंस और अकल को बैलेंस करें, ठीक है? पहली चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि आपको बात नहीं करनी, कोई कांटेक्ट नहीं करना। सेकंड चीज ये कि बी पॉजिटिव, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया उस दिन कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव आउटकम्स को सोचना, इमेजिन करना, जिससे वो वापस आ जाए। अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप राइटिंग के जरिए कर सकते हैं, अफर्मेशंस लिख के, या इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर, जो कि अच्छी बात है, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के दौरान आप इमेजिन करें पॉजिटिव आउटकम्स को, जो भी आप चाहते हैं। आपका ड्रीम है कैनेडा में जाके पढ़ना, या आपका ड्रीम है तो बिजनेस बनाना, या आपका ड्रीम है अपनी एक्स को वापस लाना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रहना। सेकंड चीज ये है यूजिंग फेडिंग अफेक्ट बायस। यस, फेडिंग अफेक्ट बायस को खराब मत करें, ज्यादातर लोग इस चीज को खराब कर देते हैं। फेडिंग अफेक्ट बायस क्या है पहले ये समझा देता हूँ। फेडिंग अफेक्ट बायस मींस कि ये एक साइकोलॉजी में टर्म है जो यूज की जाती है इसलिए कि वक्त के साथ हम नेगेटिव यादों को जल्दी मिटा देते हैं और पॉजिटिव को रख लेते हैं अपने दिमाग में। तो जब वक्त ऐसा आएगा जब वो आपसे दूर होंगे तो उनके दिमाग में नेगेटिव यादें जो आपके बारे में थी, या जो लड़ाई थी, या जो बुरी आदतें उनको लग रही थी जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है? वक्त के साथ बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी, इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर ये हो रहा है नेचुरली उनके दिमाग में तो उसको डिस्टर्ब मत करें। आप जब नो कॉन्टेक्ट पे जाते हैं, 15 दिन आप उनसे बात नहीं करते, तो उनके दिमाग में नेगेटिव यादें मिटना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? वो थोड़ा बहुत काम हो जाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत अपने ऊपर बैठ के गौर करते हैं कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्या वो इतना बुरा था, वो खुद से सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप गलती क्या करते हैं कि आप दोबारा कॉन्टेक्ट कर लेते हैं उनसे, और वो जो फेडिंग अफेक्ट बायस का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। सो इसलिए मैं कहूँगा कि फेडिंग अफेक्ट बायस को अपने लेवरेज के लिए यूज करें, अपने फायदे के लिए यूज करें। और तीसरी चीज आपको समझ आ गई होगी कि कॉन्टेक्ट नहीं करना, फेडिंग अफेक्ट बायस का अच्छे से यूज करना है। चौथी चीज, गायब हो जाओ, ये भी उसी से सिमिलर है।
गायब हो जाने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हर चीज पे ताले लगा दो और बिल्कुल कमरे के अंदर बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। ब्लॉक ब्लॉक भी नहीं करना। गायब होने से मतलब ये है कि जैसे ही ब्रेकअप हुआ, जैसे ही उन्होंने कहा कि वो आपको नहीं चाहते, आप कहेंगे ओके और उसके बाद आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप बिजी रहें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर सेपरेशन एंजाइटी असर करेगी। चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप खुद साइकोलॉजिस्ट भी हो, फिर भी आपके ऊपर वो इफेक्ट होगा, क्योंकि यू नो ह्यूमंस आर इमोशनल क्रीचर, तो इमोशंस के ऊपर असर होगा। चाहे जितना आप अकल इस्तेमाल करना चाहें, आपको मुश्किल होगा, स्ट्रगल करेंगे आप। लेकिन अगर आपके दिमाग में नॉलेज होगी तो आप इस मुश्किल सिचुएशन से निकल जाएंगे। अगर आपके दिमाग में नॉलेज नहीं होगी तो आप भी परेशान होंगे और सोचेंगे कि मेरा क्या बनेगा, और दोबारा से आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे या उनके उनके पीछे भागने लग जाएंगे, बेगिंग एंड प्लीडिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, चार चीजें तो ये हो गई। पांचवी चीज है यूज जेलेसी। अब यूज जेलेसी से मुराद मेरी ये नहीं है, प्लीज इस चीज को समझिएगा, मेरी यूज जेलेसी से मुराद ये नहीं है कि आप यू नो ऑपोजिट सेक्स के साथ पिक्चरें लगाना स्टार्ट कर दें, यू नो आप लड़की हैं तो लड़कों के साथ घूमना स्टार्ट कर दें, या लड़का है तो लड़कियों के साथ पिक्चर्स लगाना स्टार्ट कर दें। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो वो आपको बुरा समझेंगे, वो समझेंगे कि इसके करेक्टर में फ्लॉ है, अभी ब्रेकअप को 15 दिन नहीं गुजरे और ये तो अय्याशियां कर रहा है। ऐसे उनको और ज्यादा गुस्सा आएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। बेटर ये है कि अपने करेक्टर को हमेशा अच्छा साबित करें। जेलेसी किस तरह से आप कर सकते हैं, जब ब्रेकअप होता है हमारा, तो जिस इंसान से हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी खुशी से हमें खुशी मिलती है, बाद में उसकी खुशी से हमें दुख मिलता है। इस चीज को नोट कीजिएगा। ऊपर से कोई भी कुछ कह सकता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जलता, लेकिन अंदर से सब जलते हैं। जब उनकी एक्स बहुत खुश होती है उनके बगैर, तो उनको भी अंदर से जेलसी होती है कि यार ये खुश कैसे है मुझे छोड़ के, और फिर आपको गुस्सा आता है, आप फिर मुझ जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास मैसेजेस करते हैं कि कैसे मैं उसको वापस लाऊं, कैसे मैं उसको अपने कदमों में गिराऊं, ये वो इस तरह के सवाल पूछते हैं। ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि अंदर आपके गुस्सा है, आग है, जेलसी है। तो आप भी सेम कर सकते हैं। कैसे, आपने अपनी सक्सेस शो करनी है। ठीक है, जितना आप अपना सक्सेसफुल अपने आप को शो करेंगे, जितना आप ये शो करेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम हमेशा अपने से ऊपर के सर्कल के लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे हमें फील होता है इम्पोर्टेंट। आज शाहरुख खान मुझसे दोस्ती कर ले तो मैं सबको फखर से बताऊंगा कि शाहरुख खान का मैसेज आता है मेरे पास, शाहरुख खान मुझे खुद कॉल करता है, मैं खुद सबको बता रहा हूँ, यू नो दिखा रहा हूँ पूरी दुनिया को। इवन के कभी कभी सेलिब्रिटी कभी एक कमेंट का भी रिप्लाई कर देता है तो लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके हर जगह दिखा रहे होते हैं कि सेलिब्रिटी ने मुझे रिप्लाई किया, चाहे वो उनका अकाउंट उनका मैनेजर ही यूज क्यों ना कर रहा हो। तो बताने का मकसद ये है कि हम ऊपर के सर्कल के लोगों से अटैच होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए जब आप खुद को ये शो करेंगे कि आप भी बेटर बन रहे हैं, तो वो जेलस जेलस फील करेंगे और वो तड़पेंगे और आपके पास वापस आएंगे। और आखिर में अगर आप उन्हें वापस चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि नो द रीज़न ऑफ योर ब्रेकअप, क्योंकि मैं नहीं जानता आपके ब्रेकअप का रीज़न क्या है, ठीक है, और भी कोई नहीं जानता उस तरीके से जिस तरीके से आप जानते हैं, उस अच्छे तरीके से। आपके दोस्त भी नहीं जानते, आपकी फैमिली भी नहीं जानती होगी, क्योंकि आप उससे बात करते थे, आप उससे क्लोज थे, आपको पता होगा कि क्या आदतें उसको बुरी लगती थी, क्या अच्छी लगती थी। आपने उन चीज़ों को सुधारना है। अगर आप ट्रूली उन चीज़ों को सुधार लें जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, तो वो वापस आ जाएंगे। सो ये 6 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको अमल करना है अगर आप उन्हें वापस चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।